नहीं थी तो हॉल में बहुत बड़ी कथा थी, तो आगे संतों के लिए और जो मेहमान आते हैं कथा वालों के उनके लिए सोफे की व्यवस्था थी। एक मैया आवे, शरीर थोड़ी तगड़ा था, अब नीचे ना बैठ पावे, उसको तो कुर्सी चाहिए। सो जाके वो पक्की श्रोता थी, वो सरोता नहीं थी न सोता थी, वो पक्की श्रोता थी। आवे मैया और आगे बैठ जावे, वो अगर उसकी कुर्सी पे कोई बैठ गया तो पर वहीं लपड़ा बिध जावे, समझ जाओ। हम भी कहे मैया बैठो, तुम आगे ही बैठो भैया। हाँ, वो पक्की श्रोता थी, आवे और मैया बिल्कुल आगे बैठ जावे। क्या हुआ? मैया बोली, महाराज जी, जी मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। मैंने, मैया आपकी उम्र तो 90 साल की है गई, अभी भी आपको गुरु दीक्षा लेनी है? हो गया महाराज जी, कोई गुरु जी थे उस समय, अब वो हरियाणा की थी तो अपनी भाषा में बोले वो। हमें, भैया क्या हो गया? महाराज जी मारे गुरु जी सिधारे। अरे हमने तुम्हारे गुरु जी सिधार गए? हाँ। फिर हमने, फिर क्या हुआ? महाराज जी दूसरे भी गुरु जी बनाए, तो हमने की फिर क्या हुआ? वो भी कुछ समय बाद सिधारे। हमें, अब भैया क्या विचार है? बोले नेक थे, हमने देखा कि नया लड़का है, ठीक ठाक सा शरीर है, तो मैं गुरुजी बनाएंगे तो कुछ दिन चलोगे तुम। हमने कही ना मैया मुझे सिधारना है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, क्योंकि तुमने 2-3 गुरुओं को सिधार दिया। वो पक्की श्रोता थी। इस प्रकार से कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। आज श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्री धुंधकारी महाराज का परम धाम हुआ और आज इन्हें प्रीत योनि से मुक्ति मिली है। यहां पर महाराज हरिद्वार के पावन पुलिन पर मां गंगा के यहां पर श्री शनकादिकों ने ये नारद जी को कथा सुनाई। अब यहां पर बताया गया है कि यम प्रब्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रे तन्मयतया तरवो भिने दुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। जो जन्म लेते ही प्रब्रजंत हो गए हैं, जो जन्म लेते ही प्रब्रजंत हो गए हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, जिम जे वही माया लिपटा, जिम जी वही माया लिपटानी, जिम जे वही माया लिपटा, जिम जी वही माया लिपटानी, भूमि पर जी ने सोचा कि मैंने सबके बीच में लड़ाई करवाई पर कभी मैंने अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ा लड़ाई करवाने में। अब एक काम करते हैं, मैंने कभी शिव और पार्वती जी की लड़ाई नहीं करवाई, आज मुझे शिव और पार्वती जी की लड़ाई करवाना। नारायण नारायण प्रभु का भजन करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंचे श्री पार्वती मैया। अब ये रिश्ता देखिए भैया, पार्वती मैया नारद जी को अपना गुरु मानते हैं और नारद जी महाराज पार्वती मैया को अपना मां मानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साक्षात भागवत जी कह रहे हैं।
अरे गुरुजी को पधारे, गुरुजी को दंडौती लगाई, अरे गुरुजी गुरुजी को प्रणाम, मैया 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 बड़े दिनों में आज दर्शन दिए गुरुजी। अब नारद जी बोले, हाँ मैया थोड़ा हमने घर गृहस्थी वालों के यहाँ पर थोड़ा कम कर दिया है। वो भी क्यों महाराज जी, ऐसा क्यों कर दिया? बस हमने इसलिए जहाँ पर छल कपट रहता है वहाँ पर हमारे राम चाहते नहीं। अरे हमारे पति तो हमसे कभी छल ना कर रहे, हमारे पति तो हमसे कभी छल नहीं करते। हाँ मैया इसलिए मैं काफी दिनों में चक्कर लगाया और थोड़ा सा हमारे राम ने इसलिए जाना कम किया कि छल कपट वालों के यहाँ हम जाते नहीं। पार्वती मैया बोली, हमारे पति तो हमारे कभी हमसे छल नहीं करते हैं। हाँ हाँ मैया, हम कहते भगवान तुम्हारी जोड़ी ऐसी बनी रहे। पार्वती जी बोली, हमारे पतिदेव तो इतने सच्चे दिल के हैं कि अरे राम 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 गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, गुरु मंत्र भी हमारे पतिदेव ने हमें बता दिया कि गुरु मंत्र क्या है। नारद जी बोले, मैया तुम्हारा प्रेम ऐसे ही बना रहे, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। नारद जी महाराज, पार्वती जी बोली, शिव जी हमारे पतिदेव ऐसे हैं कि उनके जब वो ध्यान पूजन भजन करते हैं तो हृदय में कौन सी झांकी आई, आज राम जी ने दर्शन दिए कि श्याम जी ने दर्शन दिए कि रघुनाथ जी ने दर्शन दिए, जिसकी भी झांकी आती है तो मुझे दिखाई देती है, वो भी मुझे बता देते। अरे बाबा मैया ये तो बड़ी सुंदर बात है। ये बताओ। हाँ जी 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 महाराज जी बताइए। अच्छा ये बताइए, गले मुंड मालम, शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है वो काहे की और किसकी है ये माला? अरे राम राम। पार्वती मैया बोले, ये तो मुझे भी पता नहीं है। नारद जी बोले, तो फिर तुमसे काक प्रेम करते हैं, किस चीज का प्रेम करते हैं? अरे जब आपको हर बात पता है फिर आपको ये बात पता नहीं है कि गले मुंड मालम, गले में जो मुंडों की माला है वो काहे की है? अब तो इतनी सी फुलझड़ी काफी थी। जाकर के शिव जी जहां पर ध्यान में बैठे थे वहां पर जाकर के कह दिया, माता जी ने आपको याद किया है। शिव जी भी बोले, आप घर पर पधारे हैं तो जरूर किया होगा। पहुंचे जाकर के शिव जी, अब तो बड़ी लाल पीले हैं। पार्वती जी से बोली, देवी आपने मुझे याद किया, हमसे बात मत करो, हमसे तुम बिल्कुल भी बात नहीं करो। आइए अच्छा जी, ब्राह्मणों के श्री चरणों की। आज हमारे कथा में उपस्थित हमारे आचार्य जी, जो यज्ञ के आचार्य जी हैं, राजे हुए हैं,
आचार्य जी का आगमन बड़ा अच्छा लगा। आज आचार्य जी ने अपना अमूल्य समय दिया और अब हम अपने आप को धन्य ही समझते हैं कि धन्य भाग्य हैं जो आप महापुरुषों का दर्शन और आप महापुरुषों का आशीर्वाद इस दास के ऊपर पड़ रहा है। ये तो बड़ी बड़ी अद्भुत कृपा है हमारे ऊपर ठाकुर जी के, और हनुमान जी को हम एक करोड़ बार धन्यवाद देते हैं। कैसे महापुरुषों के दर्शन कराते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें।